सच साहस सरोकार। मैं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते दिन भर की खास बड़ी खबरों का। राहुल गांधी पूछताछ में शामिल होने के लिए आज फिर ईडी दफ्तर पहुंचे और नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता राहुल से पूछताछ का यह तीसरा दिन है। कांग्रेस लगातार इसका जमकर विरोध कर रही है। राहुल गांधी से पिछले दो दिनों में ईडी लगभग 18 घंटे की पूछताछ कर चुकी है। इसमें राहुल ने कई सवालों के जवाब दिए हैं। इधर ईडी ऑफिस के पास कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यहां कार्यकर्ताओं ने टायरों को आग लगा दिया है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी से हो रही इस पूछताछ से जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो नाराज है, नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनका उग्र प्रदर्शन भी जारी हो गया है। आज जो तीसरा दिन है जब राहुल गांधी को ईडी दफ्तर बुलाया गया था पूछताछ के लिए, जिससे नाराज कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार और उनके साथ साथ दिल्ली पुलिस अब गुंडागर्दी पर उतर आई है। गुंडागर्दी की सब हदें पार कर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में घुसकर कार्यकर्ताओं और नेताओं को मारना पीटना अब ये संयम की सब हदें पार कर गया है। दिल्ली पुलिस के वो कठपुतली अधिकारी भी जान लें कि ये याद रखा जाएगा और इसे चेतावनी मान ले कि इस गुंडागर्दी का हिसाब भी लिया जाएगा। वही हाल होगा, क्या बोलेंगे कि जैसे कुत्ते की मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। ये भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हो सकता है इसके भी खिलाफ मेरे को 100 नोटिस मिल जाए, उसकी कोई परवाह नहीं है। हम लड़ते हुए आगे भी लड़ेंगे। इतना ही बोलते हुए मेरे दोस्तों समाप्त करता हूँ। क्या जनता की आवाज उठाना कोई गुनाह है? पूरा देश जान रहा है कि राहुल गांधी जी जो नौजवानों की आवाज उठा रहे, बेरोजगारों की उठा रहे, किसानों की उठा रहे, देश की जो समस्याएं हैं उन पर आवाज उठा रहे हैं, भाजपा सरकार के पास उसका जवाब नहीं। इसीलिए वो आवाज को दबाने के लिए परेशान कर रहे हैं। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता। जिस नेशनल हेराल्ड को हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी आवाज बनाया था, क्या उसे सहयोग करना कोई गुनाह है? हम तो मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये लुका छिपी का खेल बंद करे, देश की जनता के सामने लगा दीजिए कैमरे ईडी ऑफिस में। जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं गौरव। आज जो तीसरा दिन था पूछताछ का, पूछताछ में क्या कुछ बातें निकल करके सामने आई है और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो किस तरह से इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं? गौरव, लगातार ईडी के द्वारा पूछताछ की जा रही है और केवल कांग्रेस की बात नहीं, महाराष्ट्र के भी दो मंत्री हैं, उनके खिलाफ ईडी कार्रवाई जा रही है, वहाँ पर पूछताछ भी बुलाया गया। तो यहाँ पर सबसे देखा जा रहा था, जब ईडी पूछताछ के बुलाया गया था पहले की अगर बात करें 13 तारीख की बात करें तो 11 घंटे पूछताछ की, 14 घंटे पूछताछ हुई। अभी तीसरे दिन की जो कार्रवाई है जा रही है, पूछताछ जारी है, अलग अलग बिंदु पूछताछ हो रही है। नेशनल हेराल्ड इस मामले पूछताछ होनी, हालांकि उम्र का और बीमारी का बहाव देते हुए सोनिया गांधी अभी उनके सामने प्रस्तुत नहीं हुई थी, पर राहुल गांधी आज तीसरी जो उनकी जांच चल रही है, तीसरी जो दिन है वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर उनकी जो है पूछताछ जारी है। पर अगर बात करें यहाँ पर पूछताछ की, तो यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ईडी जानबूझ के यहाँ पर नेताओं को परेशान कर रही है और कांग्रेस के मत की नजारा बनाया जा रहा है कि कांग्रेस द्वारा लगातार सरकार के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि सरकार खराब काम कर रही है और तमाम बेसिक मुद्दों पर अभी सरकार की जो किरकिरी हो रही है उसके लिए भी राहुल गांधी लगातार बोलते नजर आ रहे हैं। तो जिसके लिए लगातार राहुल गांधी और सोनिया गांधी निशाना बनाकर यहाँ पे ईडी कार्रवाई की जा रही है और आज तीसरे दिन की कार्रवाई लगातार जारी है और जिससे देखते हुए लगातार प्रदर्शन भी हो रहे हैं और आज दिल्ली में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं पुलिस की भिड़ंत हुई जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को मारा भी गया है। गौरव, देश के कई जगहों से, अलग अलग जगहों से जो प्रदर्शन की तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है, इसके खिलाफ नारेबाजी की गई है। आज किस तरह का प्रदर्शन सामने आया? बताया जा रहा है कि कई जगहों पर कार्यकर्ताओं ने आग भी लगा दिए हैं, तो किस तरह की प्रदर्शन कार्यकर्ताओं के सामने आ रही है? किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता? दो दिन से चल रहा है, 13 तारीख को तमाम प्रदर्शन हुए थे और बड़ी संख्या में लोगों ने गिरफ्तार की थी।
प्रदर्शन उम्मीद की जा रही थी प्रदर्शन नॉर्मल रहेगा, पर प्रदर्शन बहुत बड़ा रहा और विरोध प्रदर्शन इतना बड़ा पड़ा रहा कि पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ी। और जैसे कई राज्यों में ऐसी सूचनाएं, राजस्थान की बात करें और चाहे दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, लगातार कांग्रेस की पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। वो आज दिल्ली में भी बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन हुआ और कांग्रेस कार्यालय में घुसकर बाहर निकलने प्रयास कर रहे थे, गेटे का प्रयास कर रहे थे, वहां पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। लेकिन उसका कहना है कि जानबूझ के ईडी के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा। राहुल गांधी उसके पहले प्रतिक्रिया दे चुके हैं और उन्होंने एक अधिकारी को ये भी कहा था कि क्या आपने पहले आपने किसी नेता से ईडी की पूछताछ की है, क्या किसी नेता से ईडी ने पूछताछ की है, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पूछताछ की है। और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के नेताओं का ये कहना भी है कि जानबूझकर यहाँ ईडी के माध्यम से सरकार अपने संसाधनों का उपयोग करके, सरकारी संसाधनों का उपयोग करके यहाँ पर लोगों को परेशान कर रही है और एक अलग ही माहौल बनाया जा रहा है। जो भी सरकार के खिलाफ बोल रहा है उसके खिलाफ यहाँ पर जांच चला दी जाती है। कड़ा पूछताछ के बाद क्या राहुल गांधी का कोई आधिकारिक ट्वीट या फिर उनका कोई बयान सामने आया कि किस तरह से वो अपना रिएक्शन दे रहे हैं इस पूछताछ पर, या फिर कोई बातें निकल कर सामने आई कि पूछताछ में क्या कुछ सवाल किए गए राहुल गांधी से? जी गौरव, देखिए अभी सवाल सामने तो नहीं आया, पूछताछ ये जरूर हो रही है, क्या मामला था, कैसा मामला था, क्या किस सारी इन्वॉल्वमेंट थी, कैसे उनकी प्रतिक्रिया थी। हालांकि कोई आधिकारिक ट्वीट उनके माध्यम से नहीं आया है, पर कोई भी मामले रहेंगे, जो भी बिंदुवार पूछताछ हो रही है, 11 घंटे पूछताछ हुई है, 11 घंटे पूछताछ हुई है, आज भी पूछताछ जारी है, तो कई सिलसिलेवार बिंदु जो है आगे आने समय में निकल कर आएंगे, पर आधिकारिक रूप से कोई ट्वीट नहीं किया है। हाँ ये रूप किया है कि उनको ट्वीट के उनको ईडी के माध्यम से प्रसन्न किया जा रहा है, और उनको ही नहीं देश के कई राजनीतिक दल जो कि अगर सरकार के खिलाफ बोलते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, और कार्रवाई के चलते उनको ईडी और सीबीआई जैसी जो सरकारी संस्था उनके पीछे लगा दिया जाता है और उनको शोषण किया जाता है, प्रसन्न किया जाता है। जी तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद गौरव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को टीम 9 के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, जहां सीएम ने प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के निर्देश दिए। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने यूपी बोर्ड परीक्षा परिणामों को समय से जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों को अपनी परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा होगी, ऐसे में यूपी बोर्ड परीक्षा के परिणामों को समय पर जारी कर दिया जाए। संवाददाता गौरव श्रीवास्तव इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, आज की जो टीम 9 की बैठक थी उसकी क्या कुछ अहम बिंदुएं निकल करके सामने आई है, क्या कुछ अहम बातें हैं? देखिए टीम 9 की बैठक हुई थी और कुछ महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर बातचीत किए गए थे, उस पर निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सबसे पहले उन्होंने बात की कोरोना की, कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और कोरोना को देखते लगातार ट्रेसिंग टेस्टिंग और उसके बाद ट्रीटमेंट पर हम जोर देते चले आए हैं, साथ ही टीकाकरण को मजबूत करना है। इसके अलावा जो अगर हम कल की बात करें तो लगभग 46,000 लोगों की टेस्टिंग हुई थी, और अगर वर्तमान की बात करें तो प्रदेश में लगभग 1645 केस हैं जो कि एक्टिव केस है कोरोना के, और जिसमें लगभग 1563 लोग इलाज जो अपने घर में उपचाराधीन हैं, घर में आइसोलेट हैं और अपन घर पर इलाज कर रहे हैं, तो लगभग 29 लोग इस समय अस्पताल में और चिकित्सकों की जो निगरानी में उनका इलाज हो रहा है। तो अगर बात करें टीकाकरण की, उनका कहना था कि लगभग 11,60,00,000 लोगों की टेस्टिंग हुई है इस मामले में कोरोना को देखते हुए, और 33,40,00,000 लोगों का टीकाकरण हो चुका है, बड़ी संख्या में टीकाकरण हो रहा है और देश में उत्तर प्रदेश का शीर्ष स्थान है। तो सबसे पहले कोरोना को देखते हुए यहाँ पर टेस्टिंग पर जोर देने की बात की गई है। साथ ही साथ कहा गया है कि जहाँ पर जो भी हॉस्पिटल है जहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट की कमी है, जहाँ पर दिक्कत है उनको दुरुस्त किया जाए, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसकी यानी व्यापक तौर पर समीक्षा हो। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो एएनएम के पद थे जिसको लिए कहा गया था कि 100 जने भर्ती किए जाएंगे, उन एएनएम यानी जो नर्सिंग के पद हैं उनको भी पूरा किया जाए, और साथ ही साथ गेहूं की जो बिक्री हो रही है जो सरकारी केंद्रों में उस बिक्री को सुनिश्चित किया जाए, साथ ही साथ वर्षा में आने से पहले ही, वर्षा ना होने पर मानसून आने पहले ही और गेहूँ के रखरखाव की व्यवस्था भी की जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि हाई स्कूल इंटर के परीक्षा रिजल्ट घोषित होने समय से पूर्व घोषित हो जाए, कि परीक्षार्थी उसका यानी इंतजार कर रहे हैं। साथ ही साथ कई बड़े मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की और वही बताया कि निर्देश भी दिए हैं कि आने वाले समय में किस तरह से हमको कोरोना को देखते हुए तैयारी करनी है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर रखना है, भर्तियां भी करनी है और परीक्षाओं का रिजल्ट भी घोषित करना है। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि जो वैश्विक माहौल हमने बनाए हुए हैं निवेश के लिए उसको बेहतर दृष्टि से विकसित करना है। जी तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद गौरव।
महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे आज अयोध्या के दौरे पर हैं, जहां इस्कॉन मंदिर में आदित्य ठाकरे ने पूजा की। इस दौरान आदित्य ठाकरे के साथ महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्री व सांसद संजय राउत भी मौजूद रहे। माना जा रहा है इस यात्रा के जरिए आदित्य ठाकरे को शिवसेना हिंदुओं के चेहरे के तौर पर पेश करने की तैयारी में है। हालांकि पार्टी ने इस यात्रा को पूरी तरह धार्मिक बताया है। आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे के अयोध्या आगमन को लेकर पहले भी कई प्रकार की बयानबाजियां सामने आ चुकी है। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि पहले माफी मांगो फिर अयोध्या, इन सब तमाम बातों के बीच आदित्य ठाकरे अयोध्या पहुंचे, जहां पर उन्होंने पहले इस्कॉन टेंपल में पूजा की। उसके बाद उनके साथ कई जो महाराष्ट्र के नेता है वो उनके साथ मौजूद रहे। वही जिस तरह से लोगों का ये भी मानना है कि इस यात्रा के जरिए आदित्य ठाकरे को शिवसेना हिंदुओं के चेहरे के तौर पर उतारना चाहती है, एक जो राजनीति है हिंदुवाद की, कहीं ना कहीं उसमें शिवसेना जो आदित्य ठाकरे है उनको हिंदुओं का चेहरे के तौर पर उतारना चाहती है, उनको हिंदू चेहरे, हिंदू युवा चेहरे के रूप में पेश करना चाहती है। हालांकि पार्टी की तरफ से इस पूरे यात्रा को लेकर ये कहना है कि यह यात्रा पूरी तरह से धार्मिक है, ये धार्मिक यात्रा बताया जा रहा है, इसका कोई भी हिंदू या फिर किसी भी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। संवाददाता राघवेंद्र इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, आज आदित्य ठाकरे का अयोध्या दौरा था, क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में? बिल्कुल त्रिशला, अगर देखा जाए तो आदित्य ठाकरे जो है वो अपने शिव सैनिकों के साथ जो है वो अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचने के बाद वो इस्कॉन मंदिर में गए और वहां पर पूजा अर्चना किया मंदिर में, और उसके बाद वहाँ पे जो दोपहर का भोजन होता है उसको लिए, उसको लेने के बाद ये सीधे पहुंचे हैं पंचशील होटल। पंचशील होटल में उन्होंने प्रेस वार्ता की, जिसमें बता दें कि उनका साफ तौर पे कहना था कि शिवसेना के नारे के बाद मंदिर निर्माण का रखा हुआ था और अयोध्या में कोर्ट के आदेश पर बन रहा था मंदिर। अगर बात करेंगे ईडी की, तो जिस तरीके राहुल गांधी से पूछताछ ईडी के द्वारा हो रही है, तो उन्होंने साफ तौर पे उन्होंने कहा कि आज सभी एजेंसियां जो है प्रचार साहित्य में बन रही है, राम के साथ में अयोध्या के लोगों का सारा नाता रहा है। तो अगर इसको देखा जाए तो राहुल गांधी के ऊपर भी उन्होंने साफ तौर पे निशाना साधा है। उसके बाद उन्होंने सीधे बताया कि जो राम भक्त है वो शिव सैनिक है, और मैं और मेरे मुख्यमंत्री जो है उद्धव ठाकरे उनसे भी बात होगी, और ये यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधे तौर पर बात करेंगे। और उन्होंने बताया कि उनका कहना है कि मैं अयोध्या में जो है महाराष्ट्र के लोगों के लिए जो श्रद्धालु आते हैं, जो शिव सैनिक आते हैं, तो उन्होंने जगह मांगी है, तो इसके लिए वो बात करेंगे योगी आदित्यनाथ से। जी, और क्या कुछ है इनके जो प्रोग्राम है वो है, क्या कुछ आगे की इनकी प्रोग्रामिंग है जब तक ये रहेंगे उत्तर प्रदेश में राघवेंद्र, और कब तक के लिए उत्तर प्रदेश में है? देखिए, अगर बात करेंगे तो अब जो है वो हनुमानगढ़ी पहुंचे हैं, हनुमानगढ़ी से दर्शन पूजन कर रहे हैं। दर्शन पूजन करने के बाद शाम का टाइम उनका रहेगा, 7:45 बजे के लगभग वो सरयू घाट पहुंचेंगे, जहां पे वो आरती पूजन करेंगे। आपको बता दें कि 1051 दीपों से ये आरती पूजन करेंगे। इनके साथ में महाराष्ट्र के और कई मंत्री आए हैं, इनके परिवार के एक दो लोग आए हैं, और इनके लगभग मान के चलिए कि लगभग 1000 से ज्यादा ही शिव सैनिक इनके साथ में आए हैं। तो ये शाम तक का इनका पूरा प्रोग्राम है यहाँ पे, उसके बाद ये लखनऊ के लिए निकलेंगे। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद उपद्रव करने वाले आरोपियों को पुलिस ने पोस्टर जारी कर दिए हैं। पुलिस ने उपद्रवियों के इन तस्वीरों को सीसीटीवी मीडिया कर्मियों के कैमरों में कैद वीडियो फुटेज से इकट्ठा किया। पुलिस हिंसा में शामिल इन आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बता दें कि जुमे की नमाज के बाद पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा और पार्टी की दिल्ली इकाई से निष्कासित मीडिया प्रभारी नवीन जिंदल की टिप्पणी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रयागराज के अटाला इलाके में भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। नूपुर शर्मा के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए उग्र भीड़ ने पुलिस पर भी पथराव किया था। हालांकि इस मामले में
पहले भी कार्रवाई हो चुकी है, इसका जो मास्टर माइंड है जावेद उर्फ पंप, उसके घर पर पहले ही बुलडोजर चल चुका है, उसके घर को जमींदोज किया जा चुका है, उसके बाद भी अब पुलिस लगातार एक्शन में नजर आ रही है और जो भी उपद्रवी है उनकी पहचान सीसीटीवी कैमरे से और तमाम तरीके से करके उनके पोस्टर लगाए गए हैं। वह तो हम तत्काल उस पर एक्शन भी कर रहे हैं और यहाँ के जो माने लोग हैं, मौजिज लोग हैं, जिनको लोग मानते हैं, जिनका प्रभाव है, उन सभी की तरफ से एक अपील भी की जा रही है और वो सारे आश्वस्त भी हैं और अपील के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि अब इस तरह का कोई भी भड़काऊ बयान, भड़काऊ बात, भड़काऊ चीज़ कहीं सोशल मीडिया पर वायरल ना हो। ये 92 लोगों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के बाद 40 और लोगों के नाम बहुत ही क्लियर हैं, नाम पते उनके पीछे पुलिस काम कर रही है, वो घरों से भागे हुए हैं, फरार हैं, लगातार उनके ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। अगर वो पुलिस या न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं हुए तो NBW जारी करा के 82-83 की कार्रवाई कराते हुए उनके घर प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, किस तरह से अब जो पुलिस है इनकी पोस्टर लगाकर इनकी गिरफ्तारी की ओर कार्यरत है प्रयागराज पुलिस? देखिए, अटाला हिंसा में अब तक पुलिस ने 92 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अगर ताजा अपडेट की बात की जाए तो लगभग 40 ऐसे नाम सामने आए हैं या उनके चेहरे सामने आए हैं जिनको पुलिस लगातार तलाश कर रही है। हालांकि 59 उपद्रवियों की जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से सार्वजनिक कर दी गई है। प्रयागराज के SSP का साफ तौर पे कहना है कि ये जो तस्वीरें हैं इनको फिर से लगभग प्रयागराज के 50 स्थानों पर लगाए जाएंगे ताकि इन दंगाइयों को पकड़ने में पुलिस को आसानी हो। और पुलिस की टीम लगातार अटाला के क्षेत्र में गश्त कर रही है, चाहे जिलाधिकारी प्रयागराज की बात की जाए, चाहे SSP प्रयागराज की बात की जाए। लगातार दंगा होने के बाद से पुलिस की टीम वहां पर गश्त कर रही है और जिले का आला अधिकारी उस पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। लगातार दंगाइयों को चिन्हित किया जा रहा है। जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें 59 ऐसे तस्वीरें हैं जिनको पुलिस को पकड़ने में आसानी होगी। पुलिस का कहना है ये जो दंगाई है या तो पुलिस के सामने या न्यायालय के सामने अगर वो समर्पण कर देते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, नहीं तो इनको तलाश किया जाएगा, इनको पकड़ा जाएगा, पकड़ने के बाद इनके घर को कुर्की भी की जाएगी, ऐसी बातें सामने आई हैं। जी पवन, बातें ये भी सामने आई है कि जो अटाला में हिंसा हुआ था उस हिंसा में कुछ बाहर से भी लोग आए थे प्रयागराज के लिए, कुछ अलग जगहों की गाड़ियों के नंबर भी पाए गए हैं, तो उन लोगों की पहचान कैसे पुलिस कर रही है, उन लोगों की धरपकड़ के लिए क्या कुछ सख्त कदम जो सरकार के आदेश के बाद पुलिस उठा रही है? क्योंकि देखिए, नंबर से इन चीजों का कहीं भी स्पष्ट नहीं हो सकता है कि रहने वाला व्यक्ति या चलाने वाला व्यक्ति कौन है, कहां का है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि शहरों में लोग दूर दराज से नौकरी करते हैं, अन्य प्रदेशों से गाड़ियां खरीद कर लाते हैं, तो ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि जो गाड़ी के नंबर प्लेट है उससे इस चीजों का स्पष्टी हो कि वो आदमी कौन है और कहां का है। हाँ, ये चीजें जरूर सामने आई है कि जो चेहरे सामने आए हैं निश्चित रूप से पुलिस को दंगाइयों को पकड़ने में आसानी होगी और पुलिस लगातार इस पर कार्य कर रही है। जिले के जो SSP हैं अजय कुमार, वो लगातार पुलिस टीम को ब्रीफ करते हैं और उस टीम का उस पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और लगातार पुलिस इस पर कार्य कर रही है। उनकी जितनी भी टीमें लगाई गई हैं वो कार्य किए जा रहे हैं। जो अभी तक दंगाई पकड़े गए हैं उनके ऊपर 29 तरीके धाराएं लगाई गई हैं। अभी जो 59 नाम सामने आए, जो 59 तस्वीरें सामने आई हैं उनके ऊपर भी इसी तरह की कार्यवाही होगी। और मैंने पहले भी बताया था कि लगभग 5000 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, तो जो 5000 लोग हैं वो धीरे धीरे नाम सामने आएंगे और बड़ी यहाँ पे एक लिस्ट सामने आएगी और पुलिस की टीम लगातार कार्य कर रही है और बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। जी जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद पवन। दिनभर की बड़ी खबरों में इतना ही, देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।